विद्रागाय मित्रागाय नमो अरिहंतानं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो वज्जायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमकारो नव पावप्पनासनो नव पावप्पनासनो मंगलानं च सवेसिम च सवेसिम परमं हवाई मंगलं परमं हवाई मंगलं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब जय सच्चिदानंद आप शुरू करिए, तब तक वे आ जाएंगे। लग ये आप निकालिए 2799। अच्छा 1 मिनट 2799। पेज नंबर पता है तो बताएं। वो व्हाट्सएप में आता है ना? हाँ ठीक है, लेकिन उसमें वो हाँ उसमें नहीं होता है। 2799 आ गया, देखो 1 मिनट। त्याग ने ग्रहण ए बदी वस्तु स्थूल मां छे अने चीड अने चीड थवी अने प्रेम थवो ए सूक्ष्म छे। ए बेनो गुनाकार थाय नहीं एवो काम तमे शा माटे करो छो, बेने लेवा देवा नथी। ओके हाँ यही अर्थ। त्याग और ग्रहण वो सब स्थूल में है, और चीड आती है ना, चीड समझते हैं ना, और प्रेम आना वो सूक्ष्म है क्योंकि वो भाव पर है। आपने कुछ त्याग किया तो किसी को भी पता चलता है कि हमें घर छोड़कर चले गए, ये मैं नहीं खाता हूं वगैरह वगैरह। अच्छा चलो भरतानंद जी आ गए। जय सच्चिदानंद भरतानंद जी। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी पूछते हैं ये 2799 है। हाँ वो स्क्रीन पर आया है, आपने देखा? हाँ आ गया। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। त्याग ने ग्रहण ए बधी वस्तु स्थूलमां छे अने चीड थवी प्रेम थवो ए सूक्ष्म छे, ए बेनो गुणाकार थाय नहीं एवुं काम तमे शा माटे करो छो, बेने लेवा देवा नथी। क्या कहना चाहते हैं थोड़ा? हाँ त्याग और ग्रहण, त्याग और ग्रहण मीन्स बाहर जो व्यवहार में त्याग है ग्रहण है वो स्थूल में है ना, मगर ये चीट, चीट को क्या बोलते हैं हिंदी में? चीट को चीड़ी बोलते हैं। हाँ हाँ, और प्रेम होना वो दोनों सूक्ष्म है क्योंकि वो अंतस्करण के साथ कनेक्टेड है ना, और ये जो त्याग ग्रहण है वो बाहर स्थूल में है तो वो ग्रॉस लेवल पे है इसलिए वो स्थूल में है, और ये अंतस्करण के साथ कनेक्टेड है इसलिए वो दोनों सटल है सूक्ष्म है। समझ में? तो गुनाकार नहीं हुए वो क्या कहना चाहते? गुनाकार में वो दोनों का फिर वो क्या है, दोनों स्थूल स्थूल है तो उनका गुणाकार हो सकता है। गुणाकार मतलब उनका गुणाकार मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा नहीं कैस किस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन?
तो क्या है, एक स्थूल है और दूसरा स्थूल है, तो दोनों के बीच में कुछ भी ये हो सकता है, मिलाप, एडिशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ हो सकता है। मगर एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है, तो कैसे करेंगे? अच्छा, आगे का जो लिखते हैं, है वो काम तमेशा माटे करो छो, ये नहीं लेवा देवा। ये क्या है, ये कुछ रेफरेंस में बात हुई होगी ना दादा भगवान की, कोई व्यक्ति के साथ, कोई महात्मा के साथ? अच्छा ठीक है, हाँ तो उसमें क्या बात होगी पता नहीं चलता है। हाँ ये सही है, चलो। तो उसमें ये क्या, ये लिख लिया होगा आगे का, तो साथ पे लिख दिया गया वो काम तुम्हें साथ, ऐसा काम आप क्यों कर रहे हैं, दोनों को लेने देना नहीं है। समझ गया, तुमका जो रेफरेंस पता नहीं है तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा आप सब बाकी तो समझ में आ गए। तो ये मुझे एक और पूछना है कि ये ध्यान और अध्यान, ध्यान क्या होता है और अध्यान क्या होता है, वो थोड़ा अच्छे से बताइए। ध्यान क्या होता है और अध्यान क्या होता है, थोड़ा एग्जांपल के साथ। वन मिनट, म्यूट हो गए इसलिए। हाँ नहीं अभी हुआ, हो गया। ध्यान क्या होता है और अध्ययन क्या होता है, बराबर? वो एग्जांपल भी बताइए थोड़ा सा। ध्यान और अपध्यान, तो ये जो बताया भगवान ने, ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, वो चार को ध्यान बोलते हैं। क्या बताया? ध्यान, जो चिंता होती है उनको आत्म ध्यान बताया। किसी को भी चिंता होती है, मीन्स किसी और को नुकसान नहीं कर रहा है, खुद को नुकसान कर रहा है, तो वो आत्म ध्यान हो गया। फिर रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान का मतलब क्या है कि एक क्रोध करना, वो रौद्र ध्यान में जाता है। या तो खुद का हक नहीं है, खुद का राइट नहीं है, ऐसा किसी से छीन लेना, वो रौद्र ध्यान में जाता है। या तो किसी का दिमाग बहुत चलता है, तो अपना दिमाग चला के जिसका दिमाग कम चलता है उनके साथ चीटिंग करते हैं, वो सब रौद्र ध्यान में जाता है। दूसरों को नुकसान, रौद्र ध्यान। फिर तीसरा ध्यान है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान जगत के लोग ऐसा समझते हैं कि मंदिर में जाना, पूजा करना, ये ध्यान करना, तप करना, माला फिराना, उपवास करना, सामायिक करना, वो धर्म ध्यान हो गया। मगर दादा भगवान ने जो बताया बहुत सुंदर और एग्जैक्टनेस में बताया। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि जब आपको आत्म ध्यान या तो रौद्र ध्यान के संयोग सामने आते हैं और आपके पास सही समझ है, सही दृष्टि है, उनका प्रयोग करके आप आत्म ध्यान या रौद्र ध्यान नहीं होने देते हैं, उनको धर्म ध्यान बताया। फिर धर्म ध्यान, फिर उसके ऊपर का है शुक्ल ध्यान लास्ट में। शुक्ल ध्यान का मतलब क्या है कि शुक्ल ध्यान, तो जब उनको ये जागृति में रहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा का लक्ष्य रहा, तो सब समय शुक्ल ध्यान में गया। तो ये शुद्ध आत्मा का ध्यान रहा, इसे ग्रॉस भाषा में शुद्ध आत्मा का ध्यान रहा, वो सब शुक्ल ध्यान में गया। तो ध्यान मतलब क्या, क्रिया है, क्या है वो, थोड़ा सा? ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान ये अंदर की दशा है जिसपे अहंकार नहीं आता है बीच में। अच्छा, अंदर की दशा है। परिणति बोले, परिणति मतलब ये मन वचन का है कि दशा है? नहीं नहीं, अंदर की मिस अंतस्करण के लेवल की। अंतस्करण मतलब वो मन बुद्धि चित्त अहंकार की। हाँ हाँ,
क्योंकि ये जो आगे पहले तीन ध्यान है ना, वो पहले तीन ध्यान आते ध्यान दो ध्यान तो सब अज्ञानी को होते हैं। फिर क्रमिक मार्ग में एक सही समझ थोड़ी थोड़ी जो मिलती गई उसके हिसाब से धर्म ध्यान खुला होता जाता है। फिर धर्म ध्यान में आगे बढ़ने के बाद ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान खत्म होने के लिए आता है। बाद में उनका वो शुक्ल ध्यान मिश्र जब उनको आगे लास्ट में जब ये होता है तभी शुक्ल ध्यान खुला होता है। और दादा भगवान के महात्माओं के लिए ये जो बान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो उनके साथ ही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बंद हो गए। समझ में, आपको अभी चिंता नहीं होगी, सफोकेशन होगा मगर चिंता नहीं। तो अंतर क्या दोनों में? अहंकार अहंकार नहीं होता सफोकेशन। हाँ हाँ बरा मेरे में अनमिट का साइन आ गया, मतलब क्या हुआ अपने आप तो मेरे में अनमिट का साइन आया तो मैंने सोचा क्या होगा। नहीं वो तो मैंने करवाया लेकिन आपका म्यूट हो जाता है अपने आप। ठीक है आप बोलिए। अच्छा अच्छा बोलिए आप बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ तो ये अपने महात्माओं के लिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बंद हुआ, आपकी चिंताएं बंद हो गई। अभी कसे भी समझ में, आप जहां तक कश्यप जी थे मैं हूं ऐसा बान था, मैं कश्यप हूं ऐसा जो रॉन्ग बिलीफ थी, वहां तक इगोइज्म था। अच्छा। और इगोइज्म की वजह से अंदर रहता है मैं करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, तो उनको चिंता आर्त ध्यान शुरू हो जाता है। और अभी आपको बान हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और ये कश्यप का ये मन वचन कश्यप का है, ये व्यवस्थित शक्ति सब चला लेगी, तो चिंता वाला पार्ट बंद हो गया। पर फिर भी कभी कभी सामने संजोग आए तो वो ये संजोग में क्या करना चाहिए वो समझ में नहीं आता है, वो सूझ नहीं खुलती है, तो उनको टेम्पररी सफोकेशन हो जाता है। वो सफोकेशन कहां तक होता है, जहां तक वो संजोग सामने खड़े है उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता है वहां तक। और सॉल्यूशन मिल गया तो सफोकेशन चला जाएगा, या तो संजोग बदल गए सफोकेशन चला जाएगा। मगर चिंता है वो नॉन स्टॉप होती है, वो अंदर चलती ही रहती है चलती ही रहती है। तो चिंता वाला पार्ट आपको बंद हो गया, चिंता वाला पार्ट आपको बंद हो गया जी, तो आपका आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चला गया कि क्योंकि वो दोनों का आधार अज्ञान था, अहंकार था, वो अपने स्वरूप की अज्ञानता निकल गई। तो स्वरूप की अज्ञानता निकल गई तो ये अक्रम में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान निकल गया और बाहर धर्म ध्यान शुरू हो गया। और जितना पांच आज्ञा में रहेंगे तो अंदर शुक्ल ध्यान शुरू हो जाएगा, तो बाहर धर्म ध्यान मीन्स कश्यप के पार्ट में धर्म ध्यान और भीतर शुक्ल ध्यान, ऐसा ही शुक्ल ध्यान अपवाद स्वरूप में और हम सबको खुला हुआ है। और आपका जो प्रश्न था ये ध्यान क्या है, तो चार प्रकार के ध्यान है। और आगे आपने पूछा था कि अपध्यान, अपध्यान क्या है, अपध्यान के लिए दादा भगवान ने क्या बताया कि अपध्यान चौथे आर्य तक ये अपध्यान था ही नहीं, मगर अब ये पांचवे आर्य में ये नया अपध्यान खुला हुआ है। तो अपध्यान का मतलब क्या बताया था कि मानो कि साधु है, साधु साधु जी है, आचार्य भगवंत है, तो उनकी हृदय की भावना क्या है कि मुझे भगवान की आज्ञा में रहना है,
हार्टीली सिंसियरली पावना है, मगर भगवान की आज्ञा समझ में नहीं आती है, तो उनको जो समझ में आया यही भगवान की आज्ञा है ऐसा करके आगे बढ़ते हैं। तो इनको बताया अपध्यान। तो अपध्यान वाला है वो आगे भी नहीं बढ़ता है और स्लिप भी नहीं होता है, उधर का उधर रहता है। आत्मध्यान दो ध्यान वाले स्लिप होते हैं, धर्म ध्यान वाले आगे बढ़ते हैं धर्म के रास्ते पे, और शुक्ल ध्यान वाला अल्टीमेटली मोक्ष में जाता है। तो धर्म ध्यान वाला वो आगे बढ़ता है। हाँ, धर्म ध्यान वाला आगे बढ़ता है मोक्ष की तरफ। हाँ, मोक्ष की ओर। तो आप ध्यान मतलब वो उसमें अंतःकरण की स्थिति कैसे होती है? उनके उनके उनको भीतर क्या रहता है कि मैं तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, तो भगवान ने जो भी आज्ञा बताई है वो उनको समझ में नहीं आई, या तो उनको जो समझाई गई उससे वो सही मान के वो आगे बढ़ता पूरा विश्वास रखे। तो उनकी भावना तो सही है कि नहीं, मुझे भगवान की ये वितरागों की आज्ञा में रहना है, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में रहना है। समझे? लेकिन मतलब वो मानो आपको आपको दिल्ली से अंबाला जाना है, तो अभी तो जीपीएस सब आ गया, मगर पहले निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? आपको ऐसा आपने सोचा है चलो हम साइकिल लेके निकलेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हेलो, आपने आपने सोचा कि साइकिल लेके मुझे निकलना है, भले एक दिन लग जाए दो दिन लग जाए, पर तो मुझे अकेला निकलना है, अनुभव करना है। बराबर है? अभी रास्ते में आप थोड़े रास्ते में पहुंचे, आपकी भावना तो है अंबाला जाने की, फिर रास्ते में ऐसा दो रास्ता आया, आप किसी को पूछेंगे कि भाई अंबाला का रास्ता कौन सी हो, तो आपको क्या बताइए? राइट पे चले जाओ। तो फिर आप क्या करेंगे, राइट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो आपकी भावना भी है अंबाला जाने की, और आप मानते भी है कि यही अंबाला का रास्ता है, मगर बताने वाले को भी पता नहीं है, उसने भी ऐसा मान के आपको बता दिया कि अंबाला का रास्ता है। तो आप अंबाला की ओर पहुंचेंगे तो कहे नहीं, आप दूसरे रास्ते पे चढ़ गए, तो अंबाला की ओर नहीं जाएंगे, वापस दिल्ली की ओर भी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का जो ध्यान है उनको बोलते हैं अपध्यान। तो हमें तो इसका प्रॉब्लम नहीं, हम तो इसमें है नहीं, अपध्यान में। अच्छा, हमने ये तो दादा ने मौलिक बताया कि इस प्रकार का ध्यान ये काल में खुला हुआ है। तो मतलब महात्मा को नहीं हो सकता आप तो ध्यान? नहीं, महात्मा को नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी अगर गलत तरीके से बात करे तो नहीं, वो अलग बात है। आपकी इच्छा दादा की पांच आज्ञा में रहने की है कि नहीं है, और पांच आज्ञा आपको सही समझ में भी आई है। अच्छा, जितने भी समझ में आई सही समझ में आई है, गलत थोड़ी समझ में आई है। अच्छा, वो अगर गलत समझ में आई वो फिर होता नहीं तो आप? हाँ, ऐसा हो नहीं सकता है, अभी नहीं हो सकता है, समझ में आ गई फिर उसके बाद? अभी अभी ऐसा नहीं हो सकता है, 500 साल के बाद हो सकता है। जय सच्चिदानंद। आनंद जी, हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद भरत आनंद जी, मुझे ये अक्रम विज्ञान में से एक प्रश्न था।
इसमें दादाजी बोल रहे हैं कि आखू ताळो पाड़ी ने जगत आखू ताळू पाड़ी ने थाक्यू छे, कछु वळतु नथी, माटे तमने हूँ शू कहू छू के बधु व्यवस्थित छे, एटले के तमारो हिसाब छे, एने कोई फेरफार करनारो नथी, माटे ताळो पाड़शो नहीं। हवे इसमें आमा ताळू ताळो पाड़शो नहीं एनो मतलब शू कहेवा मांगे छे दादाजी? ये हियर एक मिनट હું કહું તો નીચે થી સેકન્ડ પેરેગ્રાફ અંડરલાઈન કિયા હે ના? હા હા યે હા 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 જગત આખો તારો પાડી ને તારી પાડી ને સર ના 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 એક મિનિટ ભરતાનંદજી વન મિનિટ ઇસકા મતલબ મેને ડિક્શનરી મે દેખા ઉસકા મતલબ ક્યા હે અપના તારણ તારણ નિકાલના કન્ક્લુઝન નિકાલના ઓર દાદા ઓકે हमें दिया व्यवस्थित है करके। हाँ 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 बराबर। एक मिनट में बताता हूँ। एक एक अच्छा हुआ ये देखो दस मिनट तो समाधान मिलेगा। एक मिनट का हाँ आप जो बोलते हैं उसके साथ परफेक्ट बैठता है। ये देखो ताड़ो हाँ हाँ बराबर ताड़ो बैसो ताड़ो पाड़ो बराबर ताड़ो पाड़ो જગત આખું ઉગાડી આંખે ઊંઘે છે, કારણ કે એ છેમાં જાગે છે, પૈસા ને વિષયોમાં જાગે છે, જગત તારો પાડીને થાક્યું છે, કશું વળતું નથી, માટે તમને હું કહું શું કહું છું કે બધું વ્યવસ્થિત છે, એટલે કે તમારો હિસાબ છે અને એમાં કોઈ ફેરફાર કરતો નથી, બીજું કોઈ તારણ પાડે કાઢેલું નકામું છે, હિસાબ કાઢવો મોટું થતું નથી ને તો એ ક્યાં બતાના ચાહતે દાદા કે સારા જગત વો કન્ક્લુઝન નિકાલને કે લે જાતા કન્ક્લુઝન નિકાલતા નહીં હે ઇસલિયે ઉનકો બાત ધ્યાન પે નહીં આતી હે બરોબર પર મિનિટ હા હા બડા હો જાયેગા ડ્રોઈંગ મે अब दिखाई देता है? हाँ आखो जगत उगाड़ी आके ऊंगे छे, કારણ કે સેમાં જાગે છે, પૈસામાં વિષયમાં જાગે છે, જગત આખું તારો પાડીને થાક્યું છે, કશું વળતું નથી, માટે તમને હું શું કહું છું કે બધું વ્યવસ્થિત છે, તો હિન્દી કહે ને, હા હિન્દી બોલે પડે, તો ક્યાં બોલ રહે કે સારા જગત ખુલ્લી આંખ સે સો રહા હૈ, બરોબર, ખુલ્લી આંખ કા મતલબ ક્યા હૈ કે આંખે ખુલ્લી હૈ મગર ભાવ નિદ્રા મે બરોબર તો ભાવ નિદ્રા મે એટલે કિસ મે જાગતે હૈ સંસાર મે જાગતે હૈ તો સંસાર મે જાગતે ઉનકા મતલબ કે લક્ષ્મી કે બારે મે જાગૃત હૈ વિષય કે બારે મે જાગૃત હૈ સહી હૈ ઓર લક્ષ્મી વિષય મે જાગૃત રહે કે વો તારણ નિકાલને કે લે જાતે હૈ તો એસા ઉનકા જો કહે કે ફિર તારણ નિકલતા નહીં હૈ બરાબર તો નિકાલને કે લે જાતે પ્રયત્ન કરતે હૈ મગર કુછ હોતા નહીં હૈ કે ઇસલિયે મેં આપકો બતા રહા હું કે બધું વ્યવસ્થિત છે એટલે કે તમારો હિસાબ છે એને કોઈ ફેરફાર કરનારો નથી
માટે તારો પાડતો નહીં, તમે તારો કામ કર્યા કરો. એટલે આમાં એવું કહી શકાય કે આમ કેમ એસા ક્યું હુઆ, હા બરોબર, એસા તો કે એ સબ કરને કી જરૂરત હી નહીં હે. બરોબર, મેને આપકો સીધા બતા દિયા કે વ્યવસ્થિત હે. હા વ્યવસ્થિત હે, એટલે ઇસકા મતલબ કે વો આપકા હિસાબ હે. ઓર આપકા જો હિસાબ હે વો બદલને વાલા હે નહીં, કોઈ ચેન્જ કર નહીં પાયેગા. તો ફિર વો સબ એસા ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो, ऐसा नहीं किया होता तो ये सब टाइम गिराने की जरूरत नहीं है. बराबर है, परफेक्ट, सीधा व्यवस्थित करके आगे बढ़ो. बराबर है, हाँ उन्होंने आगे बोलेंगे तो आप बाद में दूसरे सारे संजोग आपको मिल जाएंगे और आपको भीतर शांति रहेगी. बराबर, हाँ आगे उन्होंने ऐसा भी बोला कि तमे तमारू काम करिया करो, વ્યવસ્થિત તમને બધી જ યાદી આપ્યા કરશે. હા, એટલે જો ભી મતલબ જો ભી હો રહા હે યા કુછ ભી હો રહા હે તો ઉસકો ફિર એનાલાઇઝ કરને નહીં બેઠના હે, વ્યવસ્થિત કરકે ઉસકો ક્લોઝ કરકે ફિર આગે અપને પ્રયત્ન ચાલુ રખને. યે એક ક્યા હે કે કિસને આપકા અપમાન કિયા. બરોબર, આપ એનાલાઇઝ કરને કે બેઠે કરને કે લે બેઠેંગે, મુજસે છોટા હૈ મેં ઉનકા ઇતના ખ્યાલ રખતા હું, ફિર ભી મેરે સાથ ઇસ તરહ સે તમે ઇસસે બાત નહીં, એસા હુઆ વૈસા હુઆ, તો ઇસમે ફિર ક્યા સોલ્યુશન આયેગા. ઉસકી જગહ વ્યવસ્થિત કરકે આગે બઢેંગે ને, તો આપકો ભીતર ભી શાંતિ રહેગી ઓર આગે ભી બઢ પાયેંગે. સહી હે, બરોબર, તો આપકા પ્રોગ્રેસ હોગા. સહી, તો ફિર વાસ સ્ટક હો જાયેંગે. હા બરોબર હે, સહી, આગે સમજ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓ યસ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય, ખૂબ ખૂબ આભાર, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, તમે ના ફો. हाँ हूँ ना, जय सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी. एक बार आप वृंदावन में वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे, इंदिरा बहन एक मेरे से बात कर रही थी परसों, तो कह रहे थे कि भरतानंद जी भी साथ में थे, तो कह रहे थे कि उन्होंने अलग मतलब जो दर्शन कर रहे थे तो उनके अंदर की जो प्रार्थना थी ना वो बहुत ही अलग और गजब थी. तो क्या प्रार्थना थी, कैसे मतलब प्रार्थना किए थे आप जब मंदिर के दर्शन करते हैं तो? हाँ, वो तो अभी तो वो तो कितने साल हो गए. हाँ, कौन से मंदिर कौन से सब जगह पे ये क्या है, वो जगह क्षेत्र के हिसाब से मंदिर के हिसाब से प्रार्थना अलग हो जाती है. हाँ वही बताइए अभी, वो तो कौन सा मंदिर कौन सी जगह कौन सा संजोग, रस्तोपार के मंदिर में प्रार्थना अलग होती है, शिव जी के मंदिर में अलग होती है, तीर्थंकर भगवान के मंदिर में अलग होती है. जनरल हम प्रार्थना क्या करते हैं भगवान के पास जाते हैं तो, तुम मानो कि कृष्ण भगवान के पास गए, कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो हम जन क्या करते हैं कि दादा भगवान की साक्षी में कृष्ण भगवान को नमस्कार करते. बराबर, निश्चय दृष्टि से नमस्कार करते हैं. फिर तो कि कृष्ण भगवान है तो जिनमें जो गुण प्रकट दिखाई देते हैं और हम में नहीं है तो वो भगवान के पास भाई गुण हम मांगते हैं. कि मानो तीर्थंकर भगवान है तो तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, केवल चारित्र है, वो स्वभाव उनका फुल कंप्लीट खुला हुआ है और हमारा खुला नहीं हुआ है तो वहां हम क्या मांगेंगे कि हे सिमंदर स्वामी प्रभु, आपके जैसा केवल आपके जैसे केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल चरित्र की मुझे प्राप्ति हो. बराबर, दादा की पांच आज्ञा में निरंतर रह सकूं ऐसी शक्ति दी. ऐसे कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं तो जनरली कैसे मांगते हैं कि कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, तो कृष्ण भगवान की दो क्वालिटी खुली दिखाई दे ऐसी है. एक कृष्ण भगवान नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे,
उनकी निष्ठा ब्रह्मचर्य में ही थी, उनकी जो सिंसियरिटी थी वो शत प्रतिशत ब्रह्मचर्य के लिए थी। और दूसरी बात है कि कृष्ण भगवान अपने जीवन दरमियान उनका जो आयुष्य था, तो जो भी उनका आयुष्य था उसमें बहुत सारे प्रतिकूल संजोग में से ही पास हुए, उनको बारी बारी प्रतिकूल संजोग आए और सभी संजोग में वो भीतर से संपूर्ण पॉजिटिव रहे थे, नेगेटिव नहीं हुए थे। और हम अपनी बात करें तो छोटा सा प्रतिकूल संजोग आ गया तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा बुखार आ गया, पाँव में पेन होता है, हेडेक होता है, तो कैसे नेगेटिव हो जाते हैं, कोरोना तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। तो कृष्ण भगवान ऐसे बाहर से कितना भी नेगेटिव आए तो भीतर से कभी भी नेगेटिव नहीं होते थे। तो जब भगवान की भक्ति करते, उनका दर्शन करते, तो ऐसे मांग सकते कि प्रभु आप सारे जीवन दरमियान आपको बहुत सारे नेगेटिव प्रतिकूल संजोग आए, मगर आप सभी संजोग में संपूर्ण पॉजिटिव रहे। और मेरी हालत कैसी है कि छोटे छोटे संजोग में भी भीतर नेगेटिव हो जाता है, आप मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं भी आपकी तरह सभी संजोग में भीतर से संपूर्ण पॉजिटिव रहूं। ऐसे हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो हनुमान जी का क्या है, क्योंकि हनुमान जी की भगवान राम के प्रति निष्ठा थी, भक्ति थी और निष्ठा थी, साथ में उनका ब्रह्मचर्य का भी था। तो हनुमान जी की निष्ठा कैसी थी, कोई भी जगह पे वो निष्ठा ब्रेक नहीं हुई थी भगवान राम के प्रति। तो निष्ठा की एक क्वालिटी इतनी जोरदार थी कि वो निष्ठा में से उनको ये मोक्ष तक पहुंच गए। तो भगवान राम के प्रति निष्ठा थी तो उनको क्या पूर्ण रूप पूर्ण भगवान मिल गए। भगवान मिलना और भगवान के प्रति निष्ठा होनी बहुत बड़ी बात है, समझे। और व्यवहार में तो कैसा है कि व्यवहार में तो हम किसी के भी प्रति सिंसियर रह नहीं पाते हैं। घर में बुजुर्ग है उनके प्रति भी नहीं, और वहां तक कि अपने खुद के साथ, अपनी जात के साथ भी, खुद के साथ भी सिंसियरिटी नहीं कहती है। तो हनुमान जी ऐसे थे कि संपूर्ण सिंसियर थे और वो सिंसियरिटी में थे, वो केवल ज्ञान तक पहुंच गए। तो बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो जो भगवान की जो भी क्वालिटी दिखाई देती है वो हमें उस समय लक्ष्य में रखने का और इस तरह मांगने का। गणपति जी का करते हैं तो गणपति जी का दर्शन करते हैं तो गणपति को क्या बोलते हैं, विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता गणेश जी ऐसा बोलते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि गणपति है तो गणेश जी की स्थापना करेंगे तो सब विघ्न दूर हो जाएंगे, तो शादी है, कुछ भी शुभ प्रसंग है तो हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, उनका वो दीवार पे भी चित्र दोते हैं, पूजा करते हैं। तो बराबर है जो बोलते हैं कि गणपति विघ्नहर्ता है, बात सही है, मगर हम तो दादा भगवान के ज्ञानी है, बराबर है, हमें बात भी एग्जैक्ट समझनी चाहिए ना। तो गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठाता देव है। तो गणेश जी की भक्ति आपकी बुद्धि को सम्यक करती है,
और जिनकी बुद्धि सम्यक हो गई, जिनकी बुद्धि सम्यक हो गई उनको टेढ़ा नहीं दिखाई देगा, और टेढ़ा नहीं दिखाई देगा इससे उनको कोई विघ्न आएंगे तो विघ्न नहीं आएंगे। तो इस तरह शक्ति मानते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें हम कहीं भी टेढ़े हुए ने वो बुद्धि को टेढ़ा बताएगी तो तुरंत दिखाई देगा और फिर हम जागृत होकर तो बाहर आ जाते। वृंदावन तो मैं गया था, बहुत टाइम हो गया, मुझे भी याद नहीं उस समय क्या था, बोला जी क्या था, वो तो वो संजोग के हिसाब से हो जाता है। हाँ, हम परसों ही चर्चा कर रहे थे उसके बारे में, तो बता रही थी वो तो फिर। और शिव भगवान का जब दर्शन करेंगे तो, शिव भगवान का दर्शन करेंगे तो अच्छा देखो शिव जी का दर्शन करते हैं ना, शिव का मतलब होता है शिव मीन्स कल्याण स्वरूप, मीन्स जिनका खुद का संपूर्ण कल्याण हो चुका है। जिनका खुद का संपूर्ण कल्याण हो चुका है इसका मतलब कि उन्होंने अपने सारे भीतर के शत्रुओं को जीत लिया है और साथ में दूसरों को भी वो भीतर के शत्रुओं का, अंतर शत्रुओं को जीतने की शक्ति दे सकते हैं, हेल्प कर सकते। तो शिवजी के पास क्या मांगने का कि हे शिवजी आप तो शिव स्वरूप हो गए, आप कल्याण स्वरूप हो गए, आपने आपका खुद का संपूर्ण कल्याण कर दिया और कल्याण स्वरूप हुए और अभी दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, आपके निमित्त से हो रहा है और मेरी में से फाइल नंबर वन की हालत क्या है, भरा हुआ माल इतना कड़ा कुचा कूड़ा कचरा निकलता है कि किसी को पसंद नहीं आता है। तो आपने जिस तरह से आपके सारे शत्रुओं को जीत लिया तो मुझ पर भी ऐसी कृपा करो कि आपकी तरह मैं भी सारे अंतर शत्रुओं को जीत लूं, है ना। अभी तो हम शुद्धात्मा हो गए मगर वो डिस्चार्ज बग में सब रहा नहीं, तो डिस्चार्ज बग खत्म हो गया, क्लियर हो गया, तभी वो फिर कल्याण के निमित्त बन सकते हैं। कल्याण स्वरूप होना है तो कल्याण स्वरूप कैसे हो सकते हैं कि डिस्चार्ज स्वरूप में भी जो क्रोधमान मालोग है वो माल खत्म हो जाए। तो दादावन कहां तक बोलते थे कि वो माल कैसा होना चाहिए कि खुद को नुकसान करे दूसरों को नुकसान नहीं करे, ऐसा हो जाना चाहिए। खुद को नुकसान करे दूसरों को नुकसान नहीं करे ऐसा हो गया तभी आप दूसरों के कल्याण के लिए निमित्त बन सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा सिद्धांत दादा भगवान ने रख दिया। तो हमें भी भले हम शुद्धात्मा हो गए, मन वचन काया से भिन्न हो गए, फिर भी ये मन वचन काया का जो भरा हुआ माल है भले हमारा नहीं है मगर हम उनके ज्ञाता दृष्टा है, तो ज्ञाता दृष्टा रहे तो माल खत्म होता जाएगा और जितना जितना खत्म हो जाएगा हमारे भरे हुए माल से, हमारे हम जो व्यवहार लेके आए हैं वो व्यवहार से किसी को दुख नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, तभी फिर कल्याण मूर्ति होते हैं, कल्याण स्वरूप हो जाते हैं। तो शिव जी के पास ऐसे शक्ति मांगेगी आप तो आपकी तरफ हम भी इस तरह से ये पूरा माल निकाल करके आप जैसे कल्याण स्वरूप हो जाए, ऐसी कृपा ऐसे आशीर्वाद, ऐसा सिंपल, इसमें कोई वो नहीं होता है। शिव भगवान का हलाहल का मन हम कैसे लेंगे, हलाहल उनको
जो उन्होंने कलहल किया था ना, जो ना अंदर गया ना बाहर निकला, बराबर है। कैसे उपयोग करेंगे यहाँ अपने ज्ञान? समुद्र का मंथन हुआ, नाग आया, एक साइड देवो ने पकड़ा, एक साइड दानवों ने पकड़ा, और समुद्र का मंथन किया। और जब ये हलाहल विष बाहर आया तो ये दानव और देव दोनों डर गए। तो फिर क्या करना? तो फिर उससे लोगों ने रास्ता बताया कि शिव जी है, महादेव शिव जी बहुत भोले हैं, उनको जाके दे दो, वो पी लेंगे, तो वो शक्ति वाले हैं। ऐसी स्टोरी है, और सही में क्या बात है बताना। तो ऐसी स्टोरी है, तो जाके शिव जी को दिया और शिव जी ने कंठ में धारण किया, उनका कंठ काला हो गया, तो बोलते हैं नीलकंठ, शिव जी को नीलकंठ बोलते। मगर ये क्या है, समझने का क्या था कि शास्त्र में बहुत सारी बातें आती है, मगर जो शास्त्र में सिर्फ तत्वों की बात ही रहे तो लोगों को तत्वों की बात सीधी समझ में नहीं आती है। इसलिए शास्त्र के बाद वो क्या बोलते, पुराण उपनिषद ये सब करके कथानु योग आ जाता है। तो कथा के स्वरूप में वो उसमें तत्वदर्शी रख देते हैं, हाँ। तो जिससे लोगों को कुछ समझ में आए। हाँ। तो ये शिव जी ने जहर पिया, हलाहल जहर पिया, वो क्या था? तो शिव जी ने सारे जगत में किसी ने भी उनको जो भी जहर दिया, मीन्स उनको दुख दिया, अपमान किया, कुछ भी किया, वो सारे जहर को स्वीकार कर लिया। और सिर्फ स्वीकार नहीं किया, ऊपर से जहर देने वाले को आशीर्वाद दिए, इसलिए उनको बोलते हैं महादेव। कि जो दुख को ग्रहण करते हैं, जहर को जगत के लोग ने जो भी जहर दिया वो सब ग्रहण करते हैं और सामने से ऊपर से आशीर्वाद देते हैं, तो ये शक्ति तो किसकी होती है? सामान्य आम आदमी हो सकते हैं, तो ये देव नहीं, महादेव है। तो दादा मैंने क्या बताया कि शिव जी की बात, महादेव की बात हमने व्यवहार में समझ देखी है, कि हमें भी हमारे भीतर रहे हुए भगवान को व्यक्त करना है, प्रकट करना है, तो ये शुद्धात्मा हो गए, मगर फिर भी ये जो भरा हुआ माल है तो पूर्ण रूप में जो प्रकट करने का है, या तो बाहर के लोगों के लिए, तो कि भीतर के भगवान प्रकट कब होंगे? तो कि जगत में आपके रिश्तेदार, नजदीक वाले, दूर वाले, जो भी आपको ये जहर देते रहते सुबह से शाम तक, किसी प्रकार से दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, अपमान करते हैं, आपके पैसे खा गए, आपकी निंदा करते हैं, टीका करते हैं, गलत निंदा करते हैं, गलत टीका करते, वो सही नहीं है, तो वो सब क्या हुआ? वो सब जहर हुआ। तो ये सब जहर का स्वीकार करने का, उनके पे, उन पे जहर देने वाले पे अटैक नहीं करने का, जहर देने वाले के प्रति मन बिगड़ना नहीं, इतना ही। मगर ये जहर देने वाला मेरे लिए तो बहुत बड़ा उपकारी है। क्यों? क्योंकि मुझे इस प्रकार से जहर देकर मुझे मेरे पीछे भारी कर्म से वो मुक्त कर रहा है, तो उनको तो मेरे मुझे बहुत आशीर्वाद देना चाहिए, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ा उपकारी है। तो क्या ऐसा रहा तो फिर धीरे धीरे आप महादेव बन जाएंगे, शिव स्वरूप बन जाएंगे। तो शिव जी का इस तरह ये हलाहल जहर की बात है ना, तो ये पॉइजन की बात नहीं है, मगर जगत हमें जो पॉइजन देता है उनकी बात है। वो सारे पॉइजन को स्वीकार करेंगे और आशीर्वाद देंगे तभी मोक्ष में जाएंगे। कोई ऐसा सोचे कि मैं देख लूंगा टिट फॉर टैट, मैं देख लूंगा, वो क्या समझता है? तो वो तो सांसारिक रास्ता है, उससे संसार बढ़ेगा, और हमें मोक्ष में जाना है। तो मोक्ष में जाने वाले कैसे होते हैं कि जगत के सारा जगत को जहर देता है, छोटा बड़ा जो भी,
सबका प्रेम से स्वीकार करते हैं और इतना ही नहीं ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। तो ये समझने के लिए ये कथा में ये एग्जांपल दिया था और लोगों को स्टोरी याद है, मगर उनका मर्म क्या है, भगवान क्या क्या बताना चाहते हैं वो ख्याल में नहीं आ रहा। जैसे ये रामायण स्टोरी है, रामायण की स्टोरी है, तो रामायण में हम सुनते हैं कि ये मंत्रा ने कई कई को वो चढ़ौनी की और फिर कई कई ने दो वचन मांग लिए, तो इतना सारा कष्ट हुआ, ये हुआ, भगवान राम को 14 साल वन में जाना पड़ा, श्रीलंका का युद्ध हुआ, फिर वापिस आए। तो ये सब स्टोरी पढ़ के हमें क्या हो जाता है, कई कई के प्रति नेगेटिविटी खड़ी हो जाती है, द्वेष खड़ा हो जाता है, मंत्र द्वेष खड़ा हो जाता है। मगर वो बात समझ में नहीं आती है कि जो राम जिसका जीवन चरित्र बताने के रामायण लिखा गया है, इनके साथ ये हुआ, वो राम को खुद को कई कई के प्रति नेगेटिव नहीं था, मंत्र के प्रति नेगेटिव नहीं था, और वही मंत्र ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया है, मगर उनका नाम आते उनकी बात सुनते हम हो जा रहे कई कई अरे मंत्र दुष्ट है, ऐसी है वैसी है। समझने का क्या था कि भगवान राम को मंत्र की वजह से इतने सारे कष्ट झेलने पड़े, फिर भी भगवान राम मंत्र के प्रति पॉजिटिव थे, मंत्र को उपकारी मानते थे। तो क्या हुआ था कि जब बाद में भगवान राम वापिस आए अयोध्या, तो मंत्र को भीतर मन में हुआ, वो तो कई कई के पास थे, तो उनको मन में भीतर डर पैदा हो गया कि राजा राम वापिस अयोध्या आए हैं तो मुझे नहीं, मुझे पनिशमेंट देंगे, दंड देंगे। तो भगवान राम को पता चला, उन्होंने मंत्र को बताया कि आपको मुझसे भय रखने की जरूरत नहीं है। मंत्र को तो वो तो दासी थी, उनके लिए तो राजा थे, भगवान नहीं थे। तुमको क्या हुआ कि राजा राम आज तो बहुत आसन्न है तो बोलते डरने की जरूरत नहीं है, मगर 1-2 महीने के बाद जब वनवास के कष्ट दुख याद आएंगे तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो तभी वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो उनके भीतर का भय नहीं जाता। तभी भगवान राम मंत्र को बताते कि मुझे जो 14 साल वनवास में जाना पड़ा, मेरे खुद के पिछले जन्म का एक भारी कर्म था, और आपके निमित्त से मैं वो कर्म से मुक्त हुआ, तो मैं आपको दोषी नहीं देखता हूं, मैं आपको बहुत बड़ा उपकारी मानता हूं कि आपके निमित्त से मैं उससे मुक्त हुआ। तो इस तरह से भगवान की सही बात समझने की है, और जब दर्शन करते हैं तो भगवान के जो भी ऐसी क्वालिटी है और हम में जो नहीं है उसके लिए मांगने का है। चलो बढ़ेंगे आगे। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आनंद जी, जय सच्चिदानंद, अहमदाबाद से। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। भरतानंद जी, मुझे ये प्रश्न है थोड़ा, मतलब मुझे ये समझना था कि जैसे कि ये हिसाब जो बनता है और जो इंसान अपने को उससे मुक्त करने के लिए जो मतलब आते हैं, मतलब जो भी हिसाब में, तो मेरा ये कहना है कि अगर फिर ऐसा ही होता है तो फिर वो के वही इंसान अपने को हर बार मिलेगा ना, क्योंकि जिनके साथ हिसाब है उनके साथ ही अपने वापिस राग द्वेष होंगे और वही फिर वापिस से आ करके, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने एक सर्कल में घूम रहे, ऐसा हुआ? हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है कि आज जो आपका भाई है उनके साथ हिसाब हुआ तो दूसरे दिन वो भाई होके ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
बरोबर, फ्रेंड होके भी आ सकता है और मित्र बन के भी आ सकता है और दुश्मन होके भी आ सकता है। बरोबर। दूसरा, जो ज्यादा हिसाब है ना, ज्यादा स्टिकी, वहां वन टू वन होता है। ओके, वहां वन टू वन होता है। बाकी के जो हिसाब है, मानो कोई आदमी है तो बिजनेस कर रहा है और चोरी करके भी पैसा कमा रहा है, तो कुदरत में तो व्यवस्थित के अकाउंट में तो जाएगा वो सब, कि उसने इतना अर्बत का पैसा लिया है, चोरी करके पैसा कमाया है। बरोबर। तो फिर उनका वो पैसा जाएगा भी। हाँ। तो दूसरे जन्म में वो कहीं जा रहा है और कोई सब पिक पॉकेट में मिल गया और उनका पैसा लेके चला गया। तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी ने पिछले जन्म में वो पिक पॉकेटर का ऐसा पैसा चुराया था और अभी वो सामने उनका ऐसा वन टू वन ऐसा नहीं होता है। मगर जहाँ ज्यादा राग द्वेष वाले हिसाब होते हैं ना, वहाँ वन टू वन सेटलमेंट होता है। और बाकी नहीं तो फिर कैसे, मतलब वो जैसे कि आपने जो एग्जांपल दिया उसमें जो चोर था उसका और इनका कैसे मतलब फिर हिसाब आ गया? वो व्यवस्थित में तो क्या होता है, चोर भी है तो उनकी पिछले जन्म में भावना क्या होती है, मुझे बहुत ये मेहनत नहीं करना है, मेहनत से पैसा नहीं कमाना है, फिर वो सबका देख के हो जाता है ना। हाँ, तो क्या अंदर क्या सिग्नेचर हो जाती है। हाँ, एक बार कि मुझे बिना मेहनत का चाहिए, तो कभी मार पड़ेगा तो मार खा लूंगा और पैसा तो मिलेगा ना। बराबर। तो ऐसे जाने अनजाने में सिग्नेचर हो जाती है। तो चोर की पुण्य लेके आया है, उनके उनके उनको जो पैसा मिलता है उनके पुण्य से मिलता है। बराबर। मगर सर रास्ता क्या तय किया है, भी किसी भी तरह से आएगा चलेगा, बोलते भूख और कुर बोलते ना, पैसा किसी भी तरह आएगा चलेगा। तो फिर वो चोर भी बन जाता है और पुण्य है वहां, तो पैसा मिलता भी रहेगा उनको। नहीं, और तो जैसे कि जिसने चोरी करके पैसे कमाए, राइट, अब कुदरत किसी को भेजेगी कि वो नेक्स्ट बम में उसके पास से पैसे जाएंगे, कोई भी निमित से जाएंगे। हाँ। तो ये जो चोरी किया उससे किसी को अगर दुख नहीं हुआ है तो भी ये उसका हिसाब हो जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ किया ऐसा कुछ घोटाला करके कमा लिया, लेकिन किसी को अगर दुख नहीं हुआ तो भी उसका हिसाब बन ही जाएगा। देखो, किसी को दुख नहीं ऐसा बोलते हैं, मगर जो हम लॉ तोड़ते हैं समाज के कायदे तोड़ते हैं, राष्ट्र के कायदे तोड़ते हैं और धर्म के कायदे को तोड़ते हैं, तो जहां जो भी कायदा तोड़ दिया उनका फल तो आएगा ना। बराबर। तो वो इस तरह से कहीं ना कहीं उनका फल आता रहता है। तो उनका उनको भीतर क्या होता है, अभी मानो कि आज चोर है, तो चोरी कर रहा है, तो उनकी भावना कैसी होती है कि चोरी करके उसको 50,000 मिल गया, फिर वो घर पे जाएगा, उनकी सिस्टर आएगी तो उनकी सिस्टर को भी 11,000 दे देगा कि ले तो लग 11,000, वो कपड़े वपड़े लाना, ये लाना, बच्चों को अच्छे खिलाना पिलाना ऐसा। तो एक और वो चोरी भी करता है, दूसरों की भावना अच्छी भी होती है। बराबर है। तो ऐसे ये जो कर्म बांधते हैं दोनों प्रकार के, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का आता रहता है। पर इसमें मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट ऐसा कैलकुलेट, जैसे कि चलो किसी ने चोरी की बट सामने ऐसा भाव हो, किसी ने किया ही होगा कि हाँ मुझे भी चोरी करके कमाना है, ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे कि मैंने इस भाव में चोरी की, एग्जैक्ट के सामने वैसा मिल ही जाना, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सामने। व्यवस्थित का काम ही यही है ना, व्यवस्थित का काम क्या है कि उसने अर्हत का पैसा लिया है तो उनका पैसा जाना चाहिए, तो उसका एक आदमी का पैसा जाने का हिसाब है।
जो चोर है उनकी भावना क्या थी कि कैसे किसी भी तरह से चोरी करके भी पैसा मिलना चाहिए। नहीं बट वही बोलो कि एग्जैक्ट ऐसा मैच के चोर जो चोरी की भावना सब इतने सारे जैसे कि जितने भी किया उतने सामने चोरी की भावना हो और कम भी हो सकती ज्यादा भी हो सकती ना वैसा अंदर से मतलब तो व्यवस्था काम क्या है कि दोनों के ये एक की भावना नहीं होती बहुत सारे लोग होते हैं चोरी करके कमाने की या तो गलत काम करके कमाने की भावना वाले भी बहुत होते हैं बराबर है। तो ये व्यवसाय काम कितना है कि दोनों को मिला ना दोनों कब मिलते हैं टाइमिंग बराबर द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलते तभी वो सबको मिलाने का काम व्यवस्थित का है। तो उसने चोरी की भावना आज की रूपक में एक जन्म के बाद भी आ सकती है दो जन्म के बाद भी आ सकती है जब जब वो वैसा मिलेगा निमित्त तब रूपक में आएगी। सामने, सामने 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 मिलना चाहिए इस हिसाब से तो फिर निमित्त बहुत उपकारी हुआ मगर क्या जनरली दो तीन जन्म में आ जाता है ओके बहुत लंबा नहीं खींचता है बराबर लंबा तो ये जो बहुत जो चिकास वाले जातीव्र रागद्वेष वाले हैं ना वो लंबा चलता है। तो वही बोला मतलब अगर जैसे कि अपने फैमिली मेंबर से तो जनरली मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है कि नेक्स्ट बम में भी वही अपने फैमिली मेंबर्स या तो आर्ट्स पड़ोस होके मतलब आएंगे ऐसा क्योंकि उनके साथ ही ज्यादा अपना रागद्वेष होगा। हाँ रागद्वेष होगा मगर क्या होगा कैसा होगा राग भी होगा और द्वेष भी होगा वही अकेला राग नहीं होगा। हाँ हाँ दोनों होगा मानो शादी किया तो शुरू में क्या लगता है कि पत्नी बहुत अच्छी है ऐसे ही पति पत्नी मुझे काम मिलती रहे फिर पांच छह साल के बाद दस साल के बाद कुछ ऐसा उसे किया कि आपके आपका 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 जो था व्यू पॉइंट उससे कुछ अलग कर दिया बराबर या आपने जो सोचा था कि नहीं वो तो मेरे बाबा की बहुत अच्छी तरह सेवा कर रहा और 10-15 साल के बाद उनका वो संजोग आया वो मुंह फिर लेगी तो फिर क्या होगा फिर द्वेष हो जाएगा आपको अंदर होगा नहीं ऐसी पत्नी तो मिलनी नहीं चाहिए बराबर तो राग और द्वेष दोनों प्रकार का होता है। तो एक और दूसरा नया कर्म क्या बात लेते हैं कि ये मुझे पत्नी तरह पत्नी की ये मुझे ऐसी पत्नी फिर मिलनी ही नहीं चाहिए ओके तो ऐसा द्वेष होने लिया बट वो द्वेष होगा फिर भी वो पर दोनों दोनों भोगतने तो उसके साथ ही पड़ेगा ना वही बता रहा हूँ कि दो दो प्रकार के कर्म बनाए ना। हाँ बनाए ना एक वो पत्नी के रूप में फिर से मिले और फिर से नहीं मिले बराबर है। अभी आप क्यों ऐसा ऐसा हिसाब बनाते कि वो पत्नी के रूप में फिर से नहीं मिले द्वेष का हिसाब है द्वेष का हिसाब फिर वो द्वेष का हिसाब है तो कुछ भी कोई भी रूप में आएगी फ्रेंड के रूप में आएगी सिस्टर के रूप में आएगी कोई रिलेटिव के रूप में आएगी कुछ भी आ सकती है और फिर क्या होगा सारी जिंदगी उनके साथ फिर वो चकमक चलती रहेगी बराबर वो आए तब से आपको भीतर ऐसा खड़ा हो जाएगा अरे ये कहां से आ गया ये कहां से आ गया कुछ हुआ भी नहीं होगा फिर भी भीतर ऐसा चलता रहेगा बराबर और फिर ऐसा भी हो जाता है कि वो एक दो साल में ऐसा आती रहती है फिर कहां चली जाती है पता भी नहीं चलता है आपको भी याद नहीं आता है सही तो जितनी वो रागद्वेष की चिकास है ना वो हिसाब इस तरह से आते जाते रहते हैं। तो जो ये विषय के साथ तीव्र रागद्वेष है वहां मोस्टली 1-to-1 अकाउंट सेटल होता है ओके मगर पति पत्नी के रूप में ऐसा नहीं किसी भी तरह से वैल लेते हैं या किसी भी तरह से हेल्प भी करते हैं तो वहां 1-to-1 है और बाकी का सब वो जो भावना थी नहीं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए उसके हिसाब से वो मिलता रहता है व्यवस्थित के हिसाब से जो भी मतलब निमित्त होगा मतलब कम चिका से तो कोई भी आगे हिसाब हो जाएगा पूरा। हाँ तो व्यवस्थित का काम वो दोनों का मिलाने का है बराबर इसका
इसका हिसाब और इसका हिसाब, दोनों के हिसाब को सेटल करने के लिए दोनों को जो क्षेत्र देना, टाइमिंग देना, द्रव्य देना, वो सब मिला देते। बराबर, टाइम है तो मेरा एक और थोड़ा प्रश्न था, पूछ लूं? हाँ, अब जैसे कि तो फिर अपने को कैसा पुरुषार्थ रखना चाहिए, जैसे कि अपना अगर अपने को महाविद्य क्षेत्र में जाना है राइट, तो अपना कैसा पुरुषार्थ रहना चाहिए और फिर ऐसा क्या ध्यान रखना चाहिए मतलब अपने को भी? आपको तो कितना रहना चाहिए कि ये जो अपने हमें पान हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बराबर, शुद्ध आत्मा की जागृति रहे, फिर तो के पांच आज्ञा मिली है वो पांच आज्ञा में देना है, ये आपका मेन हो गया। बरोबर। और दूसरी तरह से बताओ, पांच आज्ञा आफ्टर ऑल किसके लिए है, कि आपको मैं शुद्ध आत्मा हूं वो जागृति पूरा दिन बनी रहे उसके लिए। बरोबर। मीन्स आप आनंद की सीट पे नहीं, मगर शुद्धात्मा की सीट पे दिन में जितना ज्यादा बैठेंगे वो पांच आज्ञा में रहने का वो परिणाम आता जाएगा। सही है। बराबर। तो टोटली हम ऐसे देखने के लिए जाओ तो आपकी भावना क्या होनी चाहिए कि मैं दादा भगवान की तरह हर पल हर समय बोलते निश्चिन जिनको शुद्ध उपयोग है, तो मेरा इस तरह से पांच आज्ञा में रहकर शुद्ध उपयोग रहे पाऊं। फिर बाकी का क्या है कि बाकी जो बाहर सारे संजोग संसार में मिलते हैं तो वो संजोग मेरे हिसाब से मिले हैं। हिसाब कैसे हुआ, तो कि अज्ञानता में राग द्वेष किए थे इसलिए। बराबर। तो अभी मुझे सभी हिसाब से छूटना है। बराबर। लोग क्या समझते हैं कि महाविद्य क्षेत्र में जाने के लिए मैं भावना करूंगा तो मुझे महाविद्य क्षेत्र मिल जाएगा। बरोबर। मैं सिमंदर स्वामी की भक्ति करूंगा तो सिमंदर स्वामी के साथ मेरा गुणानुबंध हो जाएगा तो मुझे महाजन्म मिलेगा। सही। तो ऐसा नहीं। ओके। ये परिणाम है। बरोबर। इसका परिणाम है कि पांच आज्ञा में रहेंगे तो पांच आज्ञा में रहने से ये कचरा सब खत्म होगा, भरा हुआ माल, तो मन वाणी और काया का एकात्म योग खड़ा होगा। मन वचन काया का एकात्म योग खड़ा होगा। तो मन वचन काया का एकात्म योग खड़ा हुआ तो फिर यू आर अनफिट फॉर दिस बर्थ क्षेत्र। बराबर। और यू आर फिट फॉर महाविद्य क्षेत्र। बराबर। एक क्षेत्र का स्वभाव ऐसा है कि आप जो क्षेत्र के लिए फिट है वो क्षेत्र आपको उधर खींच लेता है। नहीं, पर भाव भी साथ में नहीं करना पड़ेगा सिमंदर स्वामी के लिए, उनके लिए जो अहोभाव होना चाहिए वो, ये तो चलो पांच आज्ञा। ये तो क्या है, ये दादा के निमित्त से हमें सिमंदर स्वामी की जो सही पहचान हुई है ना, तो उनके प्रति अहोभाव तो रहेगा ही। बराबर है। मगर कितने लोग क्या मानते हैं कि उनके माला फिर आएंगे, उनको नमस्कार करते रहेंगे, फिर हम महाविद्य क्षेत्र में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, पांच आज्ञा। बराबर है। पांच आज्ञा में रहेंगे तभी आपका मन वाणी और काया का बनने से एकात्म योग खड़ा होगा। बराबर। मैं सिमंदर स्वामी कितनी भी भक्ति करूं तो मैं उधर चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। और इतना ही नहीं, महाविद्य क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वहां है फिर भी केवल ज्ञान नहीं होता है। बराबर। इतना ही नहीं, महाविद्य क्षेत्र में कोई है और उनका मन वाणी और काया का एकात्म टूट गया तो वहां से ब्रज क्षेत्र में भी आ सकता है। बराबर है। तो वहां जाने से कल्याण हो गया ऐसा नहीं है, मगर दादा ने जो दृष्टि हमें दिया वो दृष्टि से जो डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट लेके उधर जाते हैं तभी सिर्फ भगवान की दृष्टि, भगवान हम हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर जाती है या तो भगवान के कोई शब्द हमें श्रवण हुआ और वहां से इतना आनंद आनंद हो जाएगा कि वहां ही सपक सही चढ़ के केवल ज्ञान हो जाता है। बराबर। मगर तैयारी करके जाते हैं, तैयारी करके जाते तो वो तो तैयारी करने की। अब इसमें मिल गया, काम हो गया। हाँ,
मतलब भाव तो पहले यही था, बट मेरे को अब जैसे कि इसमें भी एक, जैसे आपने बोला कि मन वचन का है कि एकात्मा एकता हाँ, होनी चाहिए राइट। अब हाँ, जैसे कि अपने पांच आज्ञा पाल रहे उसमें अपने अंदर कुछ और समझ रहे हैं, बाहर कुछ और है, जैसे कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से अनंत, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा, ऐसी समझ। हाँ, तो इसमें मतलब एकात्म योग कैसे आएगा, पांच आज्ञा पालने से एकात्म का मतलब क्या है कि मन में जो विचार आते हैं ने, वो विचार को वो व्यक्त कर सकता है बानी से। बानी से तो मन में जो विचार आते हैं वैसा ही वो बोलता है, तो उनका क्रिया में भी वैसा ही आता है। तो मानो महाविद्य क्षेत्र में कोई आदमी चोर है, वहां भी चोर लोग होते ना, वहां भी सब होता है, जैसे यहाँ ऐसा उधर उधर भी। भगवान महावीर के समय में चोर नहीं थे यहाँ, चोर की कथा आती है। तो वहां चोर है मगर वो कैसे होते हैं, उनको मन में विचार है आज चोरी करना है, तो मुंह से बोलेगा भी आज तो मैं चोरी करने के लिए जाऊंगा। बराबर। और भी जो बोलेगा और समय हुआ तो वो जाएगा भी। पर ऐसा अभी अगर अपने करने जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? मैं क्या बताऊं, परिणाम स्वरूप आएगा ना, अभी तो है ही नहीं। ओके। अभी मन वचन क्या का एकाद प्रयोग नहीं है, मगर ये पांच आज्ञा में रहने से जो आगे रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो परिणाम में मन वचन काय का एकाद प्रयोग आएगा। ये नव कलम की जो भावना करते हैं ना, नव कलम दिन में तीन बार पढ़ के भावना करते हैं, तो क्या होगा, वो एकात्म योग आता है। बराबर। तो ये हम ऐसे स्थूल प्रयत्न नहीं करते, हम भीतर कोष ही बदल देते हैं। बराबर। तो दादा ने ऐसा किया, भीतर के कोष बदल दिए तो वो इफेक्ट में ऑटोमेटिक आएगा। बराबर। सारा जगत इफेक्ट के लिए प्रयत्न करता है। सही है। बराबर। मुझे महाविद्य क्षेत्र में जाता मैं क्या करूं, मुझे समझ लेगा मैं सिंहदेव की भक्ति करूंगा तो मैं उधर चला जाऊंगा, फिर कैसे, फिर सिंहदेव स्वामी की भक्ति की तो उनके साथ मेरा रुणा बंद हो गया। भाई सिंहदेव स्वामी तो वितराग है। बराबर। हाँ, उनके साथ ऋणाबंध कैसे होगा? बराबर। दो आदमी के बीच में ऋणाबंध कैसे होता है जो वितराग नहीं है? वितराग नहीं, उसका मतलब है वो टेढ़े है। तो अंगुलियां सीधी सीधी नहीं है, टेढ़ी है, तो टेढ़ी है तो हिसाब बनेगा। बराबर। अभी आपकी अंगुली टेढ़ी है, भगवान की तो सीधी है, तो कैसे हिसाब बनेगा, आप पकड़ ही नहीं सकते। तो फिर वो कौन से संदर्भ में बोला है? वहां जाने के बाद भी ये डेवलपमेंट, ये पांच आज्ञा में रहकर ये जो डेवलपमेंट लेके गए तभी काम होता है। बराबर। मतलब हमें तो पांच आज्ञा की प्रैक्टिस फिर जोड़ देना है। पांच आज्ञा में हाँ, मीन्स अभी सबसे ज्यादा वेटेज पांच आज्ञा पे होना चाहिए, और पांच आज्ञा में रहने रहने के लिए जो कुछ हेल्पिंग है वो सब संजोग हेल्पिंग, जैसे सत्संग का संजोग है, कीर्तन भक्ति का है, पुस्तक पढ़ते पद गाते हैं, तो हेल्पिंग संजोग है, उनका भी उपयोग कर लेते हैं। सही। जैसे कि घर में है तो इतना पांच आगे याद नहीं आएगी, मगर सत्संग में बैठे है तो ऑटोमेटिक, चलो सब महात्माओं में शुद्धात्मा तो देख लेते। सही है। तो ये एक माहौल खड़ा हो गया। सही है। बराबर। आगे बढ़ेंगे। जय सच्चे, जय सच्चे। समय हो गया है, आप हाँ आनंद जी फॉलो करिएगा। ओके। नमो रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम,
नमो आयुरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम नमो लोए सवसाहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावप्पणासनो सव पावप्पणासनो मंगलानं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय